सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस घंटी को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मास्टर जी पे। आज मैं आप लोगों के लिए चांदी के वो सिक्के लेके आया हूँ जिनको आप लोगों ने काफी बार देखा होगा। तो क्या क्या खास बातें हैं इन सिक्कों में और इन सिक्कों की प्रेजेंट टाइम में क्या वैल्यू है और वो कौन से चांदी के सिक्के हैं 1 रुपए के जिनकी वैल्यू आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा है, उन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इन सिक्कों के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां भी बताऊंगा जो आप लोगों ने अब तक नहीं सुनी होंगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल का आइकॉन है उस पे भी क्लिक करके हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाया करें। और दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है, इसे आप ही का फायदा है क्योंकि आपको हमारी वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको खुद ही मिल जाया करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जो इसमें सबसे पहला सिक्का है वो ये सिक्का है क्वीन विक्टोरिया का। इस पे लिखा हुआ है एम्पेरेस विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया का शासन 1862 से 1901 तक था, लेकिन इनके टाइम के जो पहले सिक्के थे जो 1862 से 1876 के टाइम के थे, उन सिक्कों पर एम्पेरेस विक्टोरिया की जगह क्वीन विक्टोरिया लिखा होता था। लेकिन उसके बाद के जो सिक्के हैं 1977 से 1901 तक, उन सिक्कों पे एम्पेरेस विक्टोरिया लिखा हुआ है क्योंकि 1977 में क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया था। इस सिक्के के फ्रंट पे क्वीन विक्टोरिया का फोटो बना हुआ है और साइड में विक्टोरिया और एम्पेरेस लिखा हुआ है। इसके बैक साइड में 1 रुपीज इंडिया लिखा हुआ है और ये सिक्का 1881 का है। इस सिक्के में 91% चांदी है और 9% तांबा और निकिल है। दोस्तों, अगला जो सिक्का है वो ये है किंग एडवर्ड 7th का। दोस्तों, किंग एडवर्ड 7th जो है वो 1901 से 1910 के बीच में भारत के राजा रहे थे, लेकिन इनके जो सिक्के हैं वो 1903 से 1910 के बीच में छापे गए थे। इन सिक्कों की सबसे खास बात है कि इन सिक्कों में किंग को बिना ताज के दिखाया गया है क्योंकि उस टाइम तक उनकी ताजपोशी नहीं हो पाई थी। इस सिक्के के फ्रंट पे किंग एडवर्ड 7th का फोटो है और साइड में लिखा हुआ है एडवर्ड 7th किंग एंड एम्परर। इसके बैक साइड में जो है यहाँ पे इनका मुकुट बना हुआ है, नीचे 1 रुपीज इंडिया लिखा हुआ है। इस सिक्के में सबसे पहली बार पर्शियन लैंग्वेज में भी 1 रुपया लिखा हुआ है। सिक्का 1904 का है और इसमें भी 91% चांदी है। दोस्तों, जो तीसरा और आखिरी सिक्का है मेरे पास, ये सिक्का है जॉर्ज 5th किंग एम्परर का। इस सिक्के की खास बात है, ये सभी सिक्के 1911 से 1936 तक बनाए गए थे। दोस्तों, इस सीरीज का सबसे पहला सिक्का जो 1911 में बनाया गया था, उस सिक्के में एक बहुत बड़ी ही गलती हो गई थी। यहाँ पे देखिए, उनके चित्र में यहाँ पे एक छोटा सा हाथी बनाया गया था, लेकिन सबसे पहले सिक्कों में उस हाथी की शक्ल कुछ सुअर की तरह लगने लगी थी और उस हाथी का पैर भी इतने छोटे बनाए गए थे कि वो सुअर के पैर की तरह लग रहे थे। इसलिए उसका काफी विरोध हुआ और इन सिक्कों को उसी वर्ष में बंद कर दिया गया था और नया चित्र बनाया गया जिसमें कि हाथी बना हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास 1911 का कोई सिक्का है ऐसा चांदी का, उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी। इस सिक्के पे फ्रंट साइड में किंग जॉर्ज 5th का फोटो है और साइड में लिखा हुआ है जॉर्ज 5th किंग एम्परर। इसके बैक में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 रुपीज और यहाँ पे नीचे 1914 जो इसका वर्ष है वो लिखा हुआ है और इसमें भी फारसी भाषा में 1 रुपया लिखा हुआ है और इसके साइड में जो आकृतियां बनी हुई हैं जो काफी सुंदर दिख रही हैं। तो अब बात करते हैं इन सिक्कों की कीमत के बारे में। तो ये सिक्के जो आपके सामने हैं, ये सिक्के 1000 से 5000 के बीच में बिकते हैं मार्केट में, इनकी कंडीशन और इनके यूनिक फीचर्स की वजह से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल जाए और वो जान सकें कि क्या खास है इन सिक्कों में और क्या कीमत है इन सिक्कों की। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोगों के पास ऐसे सिक्के हैं या नहीं।
और आप लोग अपनी सुझाव और कोई राय भी हमें दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल का आइकॉन आएगा उस पे भी क्लिक करके हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाया करें। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, तो जल्दी से जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।